पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के उच्च न्यायालयों के मिलॉर्डों ने ऐसे ऐसे निर्णय सुनाए हैं कि आदमी सर पकड़कर बैठ जाए। एक जगह कहा गया कि बलात्कारी आईआईटी छात्र राज्य के लिए एक धरोहर है, एसेट है, इसलिए उसे बेल दे दी जाए। वहीं कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि किसान आंदोलन करने वाले लोग सड़क को बंद नहीं कर सकते। नोएडा की मोनिका अग्रवाल ने कोर्ट से कहा कि जिस नौकरी के लिए उन्हें दिल्ली जाने में 20 मिनट लगते थे, अब 2 घंटे में वो बदल चुका है। मिलॉर्ड एसके कौल और मिलॉर्ड ऋषिकेश राय ने कहा, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को कुछ समस्या है, समाधान केंद्र और राज्य सरकारों के हाथ में है। अगर प्रदर्शन चल रहे हैं तो भी किसी भी तरीके से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए ताकि लोगों का आवागमन होता रहे। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वो समाधान क्यों नहीं दे पा रहे। यह भी कहा गया कि उन्हें प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन आना जाना कैसे बंद कर सकते हैं। ध्यातव्य यह है कि यह नौटंकी, जिसे प्रदर्शन कहा जा रहा है, पिछले साल के नवंबर से चल रहा है। वहां एक गांव बस चुका है और 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा फहराया गया। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के किसी कानून के बाद इसी सोमवार को गठित हुई है और बुधवार को उन्हें कहा गया कि किसान आंदोलन चल रहा है जिससे यातायात बाधित। यह कह देना कि सरकार को समाधान ढूंढना चाहिए इतना बचकाना और फर्जी है कि शायद यह कहते हुए दोनों जज स्वयं ही हंसी नहीं रोक पाए होंगे। जज साहब ने इसी देश में केरल में कोरोना के बीच बकरीद के लिए लॉकडाउन में छूट देने पर कुछ नहीं कहा था, जिसकी सजा देश भुगत रहा है, जबकि देश के 2/3 मामले सिर्फ इसी राज्य से आ रहे। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में सावन शुरू होने से पहले मिलॉर्डो ने कहा कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी, भले ही प्रदेश में दिन के 50 मामले भी नहीं आ रहे। केरल में बकरीद के पहले 8-9 हजार मामले आ रहे थे और 3 दिन के शॉपिंग खत्म होते ही यह संख्या दुगुनी हो गई और ताजा आंकड़ों के हिसाब से देश भर के 46,000 मामलों में 31,000 सिर्फ केरल से। लेकिन मिलॉर्ड ने बकरीद पर कुछ नहीं कहा, याचिका की सुनवाई करते करते बकरीद निकल गई। मिलॉर्ड ऐसे ऐसे कमाल करते रहते हैं। किसान आंदोलन किसी द्वीप पर नहीं हो रहा, बल्कि सड़क को ही इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ आंदोलनजीवी बना दिया गया। जज साहब इस तरह से अपनी बात कह रहे थे जैसे कि याचिकाकर्ता ने अगर ना कहा होता कि सड़क पर जाम है तो उन्हें पता ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसे मामलों में संज्ञान न लिया। शाहीन बाग में भी सड़क घेरने का यही मॉडल अपनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट सो रहा था, जैसे कि भाजपा की सरकार सो रही थी। भाजपा सरकार किसान आंदोलन पे भी सो रही है और इस प्रतीक्षा में है कि जैसे शाहीन बाग वाले एक्सपोज हो गए थे, वैसे ही किसान भी एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। किसान आंदोलन में एक्सपोज होने को कुछ बचा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के साथ कमाल की बात यह रहती है, भाई हम तो अंधे हैं, हमें कोई बताएगा कि क्या हुआ है तब हम निर्देश दे सकते हैं। हटवाना तो सरकारों का काम है। सही बात, दही हांडी की ऊंचाई, जलीकट्टू में क्रूरता, कुंभ में कोविड, कांवड़ यात्रा पर ज्ञान, ये सब फ्री में मिलता रहता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन हर दिन करोड़ों के व्यापारिक नुकसान और अन्य लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन इसी संवैधानिक न्यायालय को नहीं दिखता, क्योंकि इनकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। लेकिन हाँ, आप यह जान लीजिए कि अगर एक भी जज का घर उस रास्ते में होता या उसकी कार उस रास्ते से जाती तो यह प्रदर्शन दूसरे दिन ही सिमट गया। इसलिए ये आदेश और निर्देश का चूरन किसी और को खिलाना जज साहब, बाकी टाइम में स्वतः संज्ञान ले लेते हो, इस समय में सरकारों से पूछ रहे हो कि समाधान दे। दिख नहीं रहा कि केंद्र सरकार के वश का कुछ नहीं है। जो सरकार स्वयं को राष्ट्रवादी कहती है और लाल किले पर कोई खालिस्तानी झंडा फहरा दे, वैसी कायर सरकार से घंटा उम्मीद रहेगी वो सड़क खाली करवा लेगी। वहीं गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक विचित्र आदेश सुनाया कि एक बलात्कारी छात्र, जिस पर जस्टिस अजीत ठाकुर के ही अनुसार प्राथमिक तौर पर बलात्कार के आरोप सत्य प्रतीत होते हैं, उसे इसलिए जमानत दे दी जाए क्योंकि वह एक मेधावी छात्र होने के साथ साथ असमराज की धरोहर है। पहली बात तो यहाँ यह है कि जब आप ऐसे कुतर्क देकर बेल देते हैं और स्वयं ही स्वीकारते हैं कि प्राइमा फेसी बलात्कार के सबूत है, तो पता चलता है कि आपने आरोपित का तो पक्ष जान लिया लेकिन आपने पीड़िता के पक्ष की उपेक्षा की। एक ऐसे समाज में जहां पीड़िता को ही अपराधी मान लिया जाता है, वहां जब ऐसे तर्क दिए जाते हैं तो इच्छा होती है कि सर कहीं दीवार पर मार लिया जाए मिलॉर्ड का नाम लेते हुए। ऐसा नहीं है कि ऐसे मामलों में बेल नहीं दी जाती, लेकिन जो तर्क दिया गया वो बिल्कुल ही वाहियात है। हम सब जानते हैं कि रसूख वाले लोग ऐसे मामलों को चाहे तो अनंत काल तक खींच ले जाते हैं, वहीं पीड़िता आत्महत्या को विवश होती है। ऐसी एक खबर हम इसी वीडियो के अंतिम हिस्से में करने वाले हैं जो मानवीय संवेदना और हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर थूकती है। एक बार को हम यह मान लें कि पीड़िता के वकील ने कहा दिया कि दे दो बेल,
फिर भी ऐसे मामलों में न्यायाधीश की कुर्सी सिर्फ एक मामले को देखकर ही अपनी बात नहीं कर रही होती, बल्कि वो एक प्रेसिडेंस यानी उदाहरण बना रही होती। इसलिए ऐसे मामलों में ढील की संभावना ही नहीं होती। हम सब जानते हैं कि न्यायपालिका कितनी भ्रष्ट है। हमने देखा है कि जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला ने स्त्री होकर भी पॉक्सो के एक मामले जहां उसने एक नाबालिग का हाथ पकड़ा और उसके सामने अपने पैंट की जिप खोली, इसे सेक्सुअल असॉल्ट मानने से इनकार कर दिया और सिर्फ मोलेस्टेशन कहा क्योंकि स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। पल्लवी पुरकायस्थ का रेप और मर्डर कांड, उसमें मुंबई के सत्र न्यायाधीश वीवी जोशी ने सज्जाद द्वारा घर में घुसकर बलात्कार करने और पीड़िता को 16 बार चाकू घोंपने को भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानने से इनकार कर दिया और उसे फांसी की सजा नहीं दी गई। एक अन्य खबर में चीफ जस्टिस ने एक ज्ञान की बात कही कि पुलिस को अक्सर देखा गया है कि वो सत्ता के पक्ष में खड़े होकर काम करते दिखते हैं ताकि वो उनकी गुड बुक्स में रहे। अगर जज साहब ने ऐसे पुलिस और राज्य का नाम ले लिया तो बड़ी कृपा होती। महाराष्ट्र और बंगाल में जो हो रहा है, जिस तरह से मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट हो या फिर ऐसे मामले जहां प्रत्यक्ष तौर पर सत्ता पुलिस बल का दुरुपयोग कर रही हो, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब स्वयं भी नाम लेने में हिचकिचाते हैं। ऐसी क्या लाचारी है आप लोगों की जज साहब? आपको नहीं दिख रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है? मई के चुनाव परिणामों के बाद जो 10 दिन का नग्न नृत्य हिंसा का बंगाल में हुआ, उस पर सुनवाई करना तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने समय भी देना उचित नहीं समझा। जब गांव जलाए जा रहे थे, आदिवासियों को भगाया जा रहा था, भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं का रेप हो रहा, तब आप लोग छुट्टियां मना रहे थे या फिर वामपंथियों अथवा रसूख वाले वकीलों की फर्जी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे? हमें सब कुछ दिखता है मिलॉर्ड, इसलिए ज्ञान अपने पास रखिए। हम परेशान हो गए आपके इस चुनने की प्रवृत्ति से कि सबको दिख रहा है किसान आंदोलन में क्या चल रहा है लेकिन आप चुप रहेंगे। आप इस प्रतीक्षा में हैं कि सड़कों पर हिंसा हो और आप यह कह सकें कि केंद्र सरकार का काम है यह रोकना। यह एक बिल्कुल राजनीतिक चुप्पी है जज साहब, इसलिए पुलिस बल पर ज्ञान मत दीजिए कि वो किसके साथ खड़े दिखते हैं। आप अपनी बात कीजिए कि आपकी जमीन कहाँ है, आप कहाँ खड़े, आपके फैसले आखिर न्याय से बहुत दूर क्यों होते हैं? सोचिए जज साहब, आईने के सामने खड़े होकर सोचिए कि आखिर आप लोगों ने इस संस्था को क्या बना दिया है कि लोग आपके आदेशों पर हंसते ज्यादा हैं, गंभीरता से कम लेते हैं।